एवरी वन वंदे मात्र आई जल्पा देव मुरारी योर ईवीएस एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर एट वॉटर सो टेक आउट योर लर्नर एंड चैप्टर नंबर एट सो बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है उसमें फर्स्ट वन है वॉटर वॉटर का मतलब होता है पानी देन आफ्टर ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग का मतलब होता है हम इंसान देन आफ्टर सर्वाइव थर्ड वन इज सर्वाइव सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना जीने के लिए हम जो भी करते हैं वो सर्वाइव में आता है देन आफ्टर वेरियस वेरियस का मतलब होता है अलग अलग देन आफ्टर पर्पस परपज़ का मतलब होता है काम अलग अलग काम वेरियस परपजिस मतलब अलग अलग काम के लिए हम वोटर को यूज़ करते हैं देन आफ्टर फिल्टर फिल्टर का मतलब होता है कि उसमें जो भी जम्स और वो सब कुछ होता है वो फिल्टर अगर हम करते हैं तो वो मर जाते हैं और हम जो पानी पीते हैं वो पानी कैसा होता है क्लीन होता है देन आफ्टर रेनफॉल रेनफॉल का मतलब होता है बारिश देन आफ्टर ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदे जो छोटी छोटी बूंदे होती है पानी की वो देन आफ्टर प्रीशियस प्रीशियस का मतलब होता है कीमती Then आफ्टर वाटर बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है जहाँ पर भी पानी स्टोर होता है फिर वो नेचुरल सोर्सेस हो और हमारे घर पे स्टोर होता है वो सोर्सेस हो वहाँ पे स्टोर होता है वो वो हर एक जगह को हम क्या कहते हैं वाटर बॉडीज देन आफ्टर ड्रम्स हम घर पे जहाँ जिसमें पानी, पानी स्टोर करते हैं वो देन आफ्टर टैंक्स हम घर पे उसमें भी पानी स्टोर करते हैं देन आफ्टर बकेट्स हम उसका भी यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए घर में देन आफ्टर वेस्टिस वेस्टिस का मतलब होता है बिगाड़ना हमें पानी का सही तरह से यूज़ करना चाहिए पानी बिगाड़ना नहीं चाहिए एंड लास्ट वन इज़ अ टेप्स टेप्स का मतलब होता है नल जो हमारे हर एक जगह पे घर में होता है वो जिसमें से पानी निकलता है जिसको हम घुमाते हैं या प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है वो सो so, ये सारे हमारे न्यू वर्ड्स थे आपको ये सारे न्यू वर्ड्स अपनी ईवीएस की बुक में अच्छे से लिख लेने हैं सो हियर इज अवर चैप्टर नंबर एट वाटर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो एक तो यूजिस ऑफ वाटर वोटर का हम क्या यूज करते हैं सोर्सिस ऑफ वाटर वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इन स्टोरेज ऑफ वाटर हम हमारे घर में उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं ताकि जब घर पे पानी ना आए या फिर वाटर uh, की शॉर्टेज हो तो हम उसको यूज़ कर पाए तो वैसे हम कहाँ कहाँ पे स्टोर करते हैं वो तो ये तीन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लाइक एयर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अर्थ लाइक एयर मतलब हवा की तरह जैसे हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था वॉटर मतलब कि पानी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मतलब हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है फोर ऑल ऑफ अर्थ मतलब कि हमारे लिए आ, हवा की तरह पानी जो होता है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है ह्यूमन बींग्स मतलब कि सारे इंसान प्लांट्स मतलब कि जो सारे प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रीज भी आ जाएंगे प्लांट्स भी आ जाएंगे सारे आ जाएंगे एंड एनिमल्स उसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे इंसेक्ट भी आ जाएंगे स्मॉल एनिमल बिग एनिमल सारे कैन नॉट मतलब कि नहीं लीव विदाउट एयर मतलब कि नहीं जी सकते किसके बिना पानी के बिना इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पानी के बिना जी सके ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते वो मर जाते इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी जैसे एयर है वैसे ही हमारे लिए क्या जरूरी है वाटर इसमें आपको दिया है डू यू नो में कि आपको पता है वी कैन नोट सर्वाइव फॉर मोर देन थ्री डेज विदाउट वाटर हम पानी के बिना तीन दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते नहीं जी सकते एनी हाउ हमें पानी की जरूरत पड़ती है और अगर हम तीन दिन तक नहीं पानी पिएगे तो चलता है तीन दिन तक हम सरवाइव कर सकते हैं बट तीन दिन से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान मर जाते हैं एनिमल भी मर जाते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो अप हो जाते हैं सूख जाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक हम रह सकते हैं बट तीन दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रह सकते यूजिस ऑफ वाटर अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है यूजिश ऑफ वाटर मतलब हम वॉटर का पानी का क्या यूज़ करते हैं सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू सर्वाइव सर्वाइव का मतलब होता है टू स्टे अव ज़िंदा रहने के लिए सारी जो लिविंग थिंग्स होती है उसको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है वोटर की पानी की प्लान्स नीड वॉटर टू मेक फूड एंड टू ग्रो प्लांट्स को किसकी प्लांट्स uh, को वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है टू मेक फूड अपना फूड बनाने के लिए एंड टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए छोटा प्लांट होता है तो उसमें से बड़ा बड़ा ऐसे ग्रो होता है तो ग्रो करने के लिए एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग एनिमल को पानी की ज़रूरत पड़ती है ड्रिंकिंग मतलब की पीने के लिए एंड बाथिंग मतलब कि नहाने के लिए ये दो पर्पस के लिए एनिमल को ज़रूरत पड़ती है पानी की एवरी डे वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस परपजिज एवरी डे मतलब हर रोज़ वी यूज़ मतलब कि हम यूज़ करते हैं वाटर मतलब पानी फॉर वेरियस परपजिज मतलब अलग अलग प्रकार के काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वोटर का यूज़ करते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया ड्रिंकिंग पीने के लिए बाथिंग नहाने के लिए क्लीनिंग साफ़ सफाई करने के लिए कुकिंग फूड फूड को कुक करने के लिए वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तनों को साफ करने के लिए एंड वॉटरिंग प्लांट्स प्लांट्स को पानी देने के लिए ये सारे चीज़ों के लिए हम वॉटर का यूज़ करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम कब करते हैं पीने के लिए वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे वी शुड ड्रिंक मतलब हमें पीना चाहिए लीस्ट मतलब इतना तो पीना ही चाहिए एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे मतलब हमें हर रोज़ एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए द वॉटर वी ड्रिंक शुड बी क्लीन जो पानी हम पीते हैं शुड बी क्लीन मतलब कि वो कैसा होना चाहिए क्लीन होना चाहिए ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मतलब कि गंदा पानी पीने से हम कैसे हो सकते हैं सिख बीमार हो सकते हैं वो हमें बीमार बना सकता है एट होम आपके घर पे वी गेट वोटर फ्रॉम टेप्स हम सबके घर पे पानी कहाँ से आता है टेप्स से मतलब कि जो नल होता है उससे आता है वी शुड बोइल मतलब आपको यहाँ पे बाजू में पिक्चर में दिया है कि वाटर को क्लीन कैसे किया जाता है तो एक तो आप उसको बॉईल कर सकते हो और दूसरा क्या है और फिल्टर टेप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट या फिर वाटर को फिल्टर कर देना है या तो आप वाटर को फिल्टर कर सकते हो या फिर आप वाटर को बॉईल कर सकते हो ये दोनों तरीके से आप अपने वाटर को कैसा कर सकते हो क्लीन कर सकते हो मतलब पीने जैसा कर सकते हो आपको फिर वही पानी पीना है ओके okay? नाउ हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब है कि हमें जहाँ जहां से पानी मिलता है नेचुरल सोर्सेस ऐसे सोर्सेज जो किसने बनाए हैं भगवान जी ने बनाए है और वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है अपने आप रेनफॉल में से और फिर वहाँ से हम यूज करते हैं तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है वी गेट वॉटर फ्रॉम रेनफॉल हमें पानी कहाँ से मिलता है रेनफॉल मतलब कि बारिश से मिलता है हमारा फर्स्ट जो वाटर का सोर्स है वो कौन सा होगा रेनफॉल ही होगा क्योंकि जब अगर बारिश नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो हमें पानी किससे मिलता है बारिश से मिलता है बारिश होगी तो पानी मिलेगा तो फर्स्ट सोर्स कौन सा होगा रेनफॉल एवरी टाइम इट रेन्स द रेन ड्रॉप्स आइधर फॉल इन टू ओशंस रिवर्स एंड लेक्स और गो डीप इन टू द ग्राउंड एवरी टाइम इट रेन्स मतलब कि हर एक टाइम पे जब बारिश होती है द रेन ड्रॉप्स जो बारिश के छीटे होते हैं वो आइधर फॉल इन टू या तो वो फॉल का मतलब होता है गिरना या तो वो गिरते हैं ओशियंस में रिवर्स में ओशियंस का मतलब होता है दरिया जो समुद्र होता है वो रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ पॉन्स मतलब की तालाब एंड लेक्स मतलब की छोटा तालाब होता है वो इसमें गिरते हैं और गो डीप इन टू द ग्राउंड या फिर वो पे चले जाते हैं ग्राउंड के नीचे अंदर चले जाते हैं डीप मतलब बहुत अंदर चले जाते हैं ग्राउंड में और उसके लिए हमें सोर्सेस में कौन कौन से दिए हैं रेनफॉल दिया है फर्स्ट सोर्स है उसके बाद हमें लेक दिया है फिर रिवर फिर ओशन पौंस लेक वेल मतलब कि कुआ ये सारे कैसे सोर्सेज है वाटर के सोर्सेस है ये हर एक जगह पे हमें क्या मिल जाता है पानी मिल जाता है नाउ वन नेक्स्ट वन टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ वाटर स्टोरेज मतलब कि स्टोर करना ऑफ वॉटर मतलब पानी का हम पानी का स्टोर कैसे कर, सक, कर सकते या फिर करते हैं रोज घर में वॉटर इज वेरी वॉटर इज वेरी प्रीसी मतलब कि जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है अभी हमें मिल जा रहा है हमारे पास अवेलेबल होता है रोज का पानी तो हम उसको बहुत तरीके से वेस्ट करते हैं बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सो वी शुड नोट वेस्ट इट तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए वी शुड नोट मेक द वॉटर ड टी हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए बाई थ्रोइंग In water bodies, जो water होती है, water का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल है, होते हैं लेक है रिवर्स like है ओशंस है ये सारी जो जगह होती है वहाँ पे हमें कचरा फेंक के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए वी शुड सेव एंड स्टोर वाटर हमें पानी को सेव मतलब कि बचाना चाहिए एंड स्टोर वाटर एक जगह पे स्टोर करके रखना चाहिए ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तब हम उसका यूज कर पाए देर आर अ नंबर ऑफ वेज टू स्टोर वॉटर नंबर ऑफ वेज का मतलब होता है बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास टू स्टोर वाटर पानी को स्टोर करने के लिए वी कैन स्टोर वाटर इन ड्रम्स हम पानी को स्टोर कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे डम ड्रम, ड्रम्स में टैंक्स में बकेट्स में बोटल्स में बोटल्स में हम करते हैं हम फ्रीज में पानी भर के रखते हैं बोटल्स में तो वो हम वैसे स्टोर करते हैं फिर हमारे बाथरूम में या फिर वॉशरूम में हम बकेट्स में पानी रख देते हैं वहाँ पे हम वैसे स्टोर करते हैं फिर हमारे टेरेस पे हम ड्रम्स या फिर ये टैंक्स रखते हैं पानी की उसमें पानी स्टोर करते हैं ताकि हमें जब भी पानी की ज़रूरत हो तो हम हमारे घर का जो टेप है वो खोले तो वहाँ से हमें ऊपर से नीचे पानी आ सके तो ये सारे आ, स्टोरेज ऑफ वाटर थे ड्रम्स टैंक्स बकेट्स एंड पोटल्स नाउ लेटेस्ट प्रैक्टिस अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर के बारे में उसमें क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके नीचे की जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड्स है कुकिंग वॉशिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स अब फर्स्ट वन ब्लैंक है ह्यूमन बींग्स डैश एंड एनिमल्स नीड वॉटर टू सर्वाइव ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसान एंड एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स को नीड वॉटर टू सर्वाइव पानी की जरूरत पड़ती है जीने के लिए तो और किसको पड़ती है प्लांट्स को तो हमें फर्स्ट वन ब्लैंक्स में क्या लिखना है प्लांट्स देन आफ्टर सेकेंड वन वॉटर इज नेसरी फोर डैश फूड वॉटर है वो जरूरी होता है नेसेसरी मतलब कि जरूरी होता है फोर डैस फूड क्या करने के लिए फूड को क्या करने के लिए तो किसके लिए ज़रूरी होता है कुकिंग फोर कुकिंग फूड देन आफ्टर थर्ड वन नीड वॉटर फोर डेज क्लॉथ्स हमें वॉटर की क्या क्यों जरूरत पड़ती है क्लॉथ्स को क्या करने के लिए तो क्लॉथ्स को वॉशिंग करने के लिए सो वी नीड वॉटर फोर वॉशिंग क्लोथ्स नाव फोर्थवन डेस ड्रिंक वाटर कौन पानी पीता है येस हमारा बचा हुआ ऑप्शन है एनिमल्स एनिमल्स ड्रिंक वॉटर नाउ क्वेश्चन नंबर बी टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रोंग वंस जो गलत है उसको रोंग करना है और जो सही है उसको राइट करना है उसमें फर्स्ट वन है प्लांस नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बढ़ने के लिए वॉटर की जरूरत पड़ती है तो यस वो सही है तो फर्स्ट वन में आपको क्या करना है राइट देन आफ्टर सेकेंड वन बर्ड्स डू नॉट ड्रिंक वाटर जो बर्ड्स होते हैं वो वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं मतलब वाटर पीते नहीं हैं पानी नहीं पीते तो वो क्या है गलत क्योंकि बर्ड्स भी वाटर ड्रिंक करते हैं तो सेकंड वन में आपको क्या करना है रॉन्ग नाउ थर्ड वन वी ड्रिंक वाटर एवरी डे हम पानी रोज पीते हैं तो हम पानी रोज पीते हैं येस yes. तो थर्ड वन में आपको क्या करना है राइट right. Now fourth one, water is stored in buckets and tanks. Water है वो buckets में and tanks में store किया जा सकता है. Store करते हैं हम. तो हाँ वो सही है. तो उसमें भी क्या आएगा? Right. Done. Then after question C, who am I? मैं कौन हूँ? तो उसमें फर्स्ट वन है आई फॉल ऑन अर्थ एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आई फॉल ऑन अर्थ मतलब कि मैं जमीन पे गिरता हूं एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदे बन के तो मैं पानी की बूंदे बन के जमीन पे गिरता हूं तो मैं क्या हूं येस yes, रेन तो आपको फर्स्ट वन में क्या लिखना है रेन आर A I N, then after second one you use me to wash utensils. You use me मतलब आप मेरा use करते हो to wash utensils मतलब कि बर्तनों को साफ करने के लिए तो आप किसका use करते हो बर्तनों को साफ़ करने के लिए Yes water तो आपको second one में क्या लिखना है water W A T E R done क्वेश्चन नंबर डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर लिखने हैं उसमें फर्स्ट वन है वाई डू प्लांट्स नीड वॉटर प्लांट्स को वॉटर की मतलब पानी की जरूरत क्यों पड़ती है तो प्लांट्स को पानी की जरूरत क्यों पड़ती है ग्रो करने के लिए येस yes. तो आपको आंसर में लिखना है प्लांट्स

बकेट्स एंड बोटल्स हम पानी को स्टोर कर सकते हैं ड्रम्स में टैंक्स में बकेट्स में एंड बोटल्स में डन नाउ थर्ड वन नेम सॉरी नेम थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर वाटर के तीन सोर्सेस जहां से हमें वाटर मिलता है ऐसे नाम लिखने हैं तो वैसे हम कौन कौन से लिखेंगे रेनफॉल लेक एंड रिवर आप अपने हिसाब से कोई भी तीन लिख सकते हो इसमें ओके नाउ होट्स है वॉट्स के क्वेश्चन आपको पता ही है आपको याद करके रखने हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिया वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर अ मंथ विथ हर फैमिली वैन शी कैम बेक होम ऑल द प्लांट्स इन हर गार्डन हैड ड्राइड अप वट कुड बी द रीजन जिया है वो अपने मामा पापा के साथ फैमिली के साथ एक मंथ के लिए घूमने गई थी और जब वो वापस आई घर पे तो उसके गार्डन के सारे प्लांट्स थे वो कैसे हो गए थे सूख गए थे तो आपको वो बताना है कि उसका रीज़न क्या था फिर सेकंड वन है सीड ड्रंक वाटर फ्रॉम द टैंक एंड बिकम सिक सीड ने पानी पिया टैंक में से और वो बीमार हो गया वट बी द रीजन फॉर इस फॉलिंग सिक उसका क्या रीजन हो सकता है कि वो कैसे बीमार हो गया क्यों बीमार हो गया उसका क्या रीजन हो सकता है वो भी आपको मुझे बताना है और नीचे एक्टिविटी जोन में स्टोरिंग वाटर का कोई भी जैसे आप घर पे किस में वाटर स्टोर करते हो उसका कोई किसी की किसी का भी एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसको कलर कर देना है सपोज कि अगर आप बकेट ड्रॉ करो तो आप कर सकते हो और बकेट को फिर कलर कर देना है ओके सो दिस वन चैप्टर इज ओवर हीयर होप सो आप सब अच्छे से लंडबेन में ये चैप्टर कर लोगे और आप की एस की बुक में भी Bye bye everyone. Have a nice day.